मीटिंग सजान इसमें बहुत सारा वर्ड्स ऐसा है जो फ्रेंच है तो उसका प्रोनउंसिएशन यहाँ लिखा है सो सी दिस इज शजान प्रोनन्स डज सो द स्टोरी गोज लाइक दिस फ्लिपिंग थ्रू हिज मदर्स बुक अ यंग बॉय नेम्ड यानिक एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ ऑफ द कंट्री साइड ऑफ प्रोवान्स प्रोवान्स इसका प्रोनन्स ऐसे होगा प्रोवान्स सो प्रोवान्स क्या है फ्रांस में एक जगह है और सजान कौन है एक फेमस पेंटर है तो एक बच्चा अपनी मम्मी के एक बुक से देख रहा था बुक देख रहा था तो उसको सुजान का पेंट किया हुआ एक फेमस पेंटिंग दिखा जिसमें प्रोवेंस प्रोवेंस बोलकर जो जगह था वहां वो बहुत सुंदर दिख रहा था उसके अंकल वहां रहते थे तो वन समर ही गेट्स द चांस टू तो गो एंड स्पेंड टाइम विद अंकल्स फैमिली लिव्स देयर जो वहां रहते थे अंकल वो उसके पास उसको जाने का मौका मिला एक समर में तो यानिक को वहाँ जाकर रहने में मजा आ गया वो अपने अंकल के साथ उनका विलेज इन मतलब होटल संभालता था वन डे देर वॉज अ बसल एट द इन मतलब बहुत हल्ला वगैरह होने लगा बहुत एक्साइटमेंट था तो ये पूछा कि किस बात का एक्साइटमेंट है तब इसको पता चला कि जो बहुत एक फेमस मैन है जो कि उस होटल का बेस्ट कस्टमर है वो आने वाला है इस वजह से इतना इन है इतना बसल है दैट इवनिंग माई कजन अमैंडिन टोल्ड मी आई हैड टू डू एवरीथिंग प्रॉपरली बिकॉज द बेस्ट कस्टमर वॉज कमिंग टू डाइन विद सम फ्रेंड्स तो उसकी कजन बोली कि तुमको आज सारा कम अच्छे से करना है क्योंकि हम लोग का जो बेस्ट कस्टमर है वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए आ रहा है तो ही लिव्ड इन द शट्यू शैटो शा, देखो इधर लिखा हुआ है शैटो शैटो मतलब एक बहुत बड़ा फ्रेंच होम होता है तो बहुत रिच है वो शैटो में रहता है तो काफ़ी फेमस है वो अपने आ रहे हैं हम लोग के होटल में तो तुम कुछ गड़बड़ मत करना ये पूछा कि वो किस बात के लिए फेमस है तो वो लड़की जवाब जवाब नहीं दी बोली क्वेश्चन ऑलवेज क्वेश्चन गो एंड फेच द लॉग्स बोली तुम सिर्फ क्वेश्चन करता जाओ और लकड़ी लेकर आओ हु एवर ही वॉज ही लुक लाइक एन ऑर्डिनरी मैन विदाउट मच हेयर बट आई फेल्ट वेरी प्लीज वेन द फेमस मैन एट वन ऑफ माई क्रीम ब्रुले इट्स रिटर्न क्रीम ब्रुले ये एक तरह का डिश होता है स्वीट डिश है तो वो खाकर बहुत तारीफ किया आफ्टर द मैन एंड इज गेस्ट लेफ्ट वी बिगैन टू क्लियर द टेबल आई पुल्ड द टेबल क्लॉथ ऑफ स्क्रंस्ट इट एंड थ्री यू विट इन टू द फायर एज यूजल वो क्या किया कि जब वो इंसान खाकर चला गया तो नॉर्मली जो ये लोग करता है कि टेबल क्लॉथ को फेंक देता है फायर में तो कि वो जल्द ख़त्म हो जाए तो ये वही कर रहा था ये फेंक दिया तो ये अमांडिन बोली कि तुम पागल है क्या तुम क्या कर रहा है ये लड़का बोला वॉट वो कुछ बोली नहीं वो जस्ट फिर वो फायर टोंग से वो खींचने लग गई मतलब चिमटा होता है ना उससे पकड़ के वो फायर से टेबल क्लॉथ निकाली और तब उसको बोली कि वो जो फेमस इंसान ड्राइंग किया है टेबल क्लॉथ पे वो एक्चुअली एक फेमस पेंटर है तो वो अपना टिप के तौर पे पेंटिंग छोड़ देता है ताकि वो हम लोग बेच सकें या कुछ भी कर सकें तो ही इज़ द मोस्ट फेमस पेंटर इन द वर्ल्ड इडियट शी वॉज इन टीयर्स नाउ अब वो रो रही थी उसको लग रहा था कि उसके पापा जो कि यानिक के अंकल है वो डांटेंगे देन अंकल ब्रूम ब्रूनो केम स्ट्राइडिंग टू अस विद अनलाइक हिज जॉली सेल्फ व्हाट इज इट हुआ मैंडिन से पूछे क्या हुआ तो वो रोने लग गई और बोली इट वाज यानिक पापा वो टेबल क्लॉथ को जिसमें ड्राइंग था उसको आग में फेंक दिया तो उसका अंकल पूछा कि क्या तुम अमैंडिन डिड यू टेल हिम अबाउट इट अमैंडन कि क्या तुम उसको बोली थी कि वो इंसान ऐसे अगर टेबल क्लॉथ पे, पे पेंटिंग छोड़ता है इसका मतलब वो उसका टिप है तो अमैंडन लुक डैट मी हर चिक्स वेट विथ टीयर्स आई थॉट शी वॉज गोइंग टू लाई बट शी डिड वो भी एक बच्ची है झूठ डांट से बचने के लिए वो झूठ बोल सकती थी लेकिन वो नहीं बोली वो सीधा एक्सेप्ट की कि हाँ हम हा, उसको नहीं बोले थे ये बात देन यू शुडेंट ब्लेम हिम शुड यू फॉर समथिंग दैट वॉज योर फॉल्ट तो उसके पापा बोले कि तब तो गलती तुम्हारा हुआ ना यानिक को कैसे पता होगा कि कोई वो पेंटर है और वो पेंटिंग छोड़ेगा ये तो तुमको पहले ही बताना चाहिए था नेवर माइंड यानिकेड ही सेड ही पर्टिकुलरली लाइक दिस क्रीम रोले यू मेड इट डिडेंट यू तो ये बोल रहा है वो क्रीम रुले उसको बहुत पसंद आया था ही बनाया था ना तो एक्चुअली में वो टिप तुम्हारे लिए ही था ठीक है कम से कम ये सोचो कि, कि इतना फेमस पेंटिंग तुमको थोड़ी देर के लिए पकड़ने मिला तो हर चीज़ का ब्राइट साइड को सोचा करो लेटर ऑन वो अपने बाथरूम से निकला तो वो सुना कि अमेंडिन रो रही है तो आई हेटेड टू हेयर हर क्राइस वो आई नॉक डाउन द डोर एंड वेंट इन वो दरवाजा नॉक करके अंदर गया वो बोला कि सॉरी हम तुमको अपसेट नहीं करना चाहते थे तो अमैंडिन बोल रही कि यानी कि इट वॉज योर फॉल्ट बस हमको खराब लगता है जब पापा मेरे से गुस्सा हो जाता है पापाज़ क्रॉस विथ मी क्रॉस मतलब एंग्री वो बहुत कम होते हैं जब तभी होते हैं जब हम कुछ बहुत बुरा किए होते हैं और हमको बहुत बुरा लगता है फिर ठीक है बोलो के बीच ख़त्म हो गया बट ये यानि सोते सोते सोच रहा था कि हम कैसे सारा चीज़ को ठीक कर सकें तो सुन आई हैड वर्कड आउट एग्जैक्टली वॉट एंड हाउ टू डू इट इवन वॉट आई वॉज गोइंग टू सेव इन द टाइम केम ये सोचा कि अब हमको ये स, इसको ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढना है तो नेक्स्ट मॉर्निंग आई डिडेंट गो फॉर माई वॉक इन द हिल्स बट मेड वाई माई वे डाउन थ्रू द विलेज टूवर्ड्स द शैटो वो शैटो में गया उस बूढ़ा इंसान के पैदल चलते चलते गया रास्ता वो सब गेट वेट सब कुछ पास वास कर लिया आस पास देखा खाली जंगल वंगल था और ये बूढ़ा इंसान ऐसे बैठकर पेंटिंग बना रहा था ही वॉज सिटिंग अलोन इन द स्टेप्स ऑन द स्टेप्स इन द सनशाइन एंड स्केचिंग आई अप्रोच एज साइलेंटली एज आई कोड बट समाउ आई मॉइट हैव डिस्टर्ब हिम वो एकदम धीरे धीरे जा रहा था लेकिन फिर भी उसको पता चल गया कोई आ रहा है तो वो ऊपर नजर उठा कर बोला कि हेलो यंग सन हेलो यंग मैन अब वो उसके काफी क्लोज था बट इज आईज वेर यंग ब्राइट एंड सर्चिंग आई मोन्सूर मानसूर मतलब मौसूर मतलब जिसे मिस्टर को बोला जाता है तो आई यू मोसूर शजान द फेमस पेंटर क्या तुम शजान हो आई आस्ट ही लिटल पर्जल पर्जल्ड वो थोड़ा परेशान हो गया फिर बोला कि वो ये खुद ही बोलने लग कि मेरी मम्मी बोलती है कि वो बहुत अच्छा पेंटर है ही स्माइल डन दैन लाफ्ट आई थिंक यूर मदर्स प्रोबेबली राइट यू क्लियरली हैव अ वाइज मदर बट वाई डिड यू लेट वाई डिड श्यू लेट अंग लैड लाइक यू कम वैंडरिंग हेयर ऑन हिज ओन तुम्हारी मम्मी बहुत स्मार्ट है क्योंकि वो एक फेमस पेंटर को पहचानती है लेकिन तुम यहाँ पर ऐसे घूमते फिरते कैसे आ गया अगर वो इतनी स्मार्ट है तो तुमको ऐसे अकेले कैसे छोड़ दी तुम तो बच्चा है फिर वो या, यानिक अपने आने का कारण समझाया ही लुक डैट मी विथ फरोड बोज फरोड बोज का मतलब कन्फ्यूज होकर देखा क्यूरियासिटी के साथ फिर बोला कि अच्छा अब हमको याद आया तुम लास्ट नाइट हम तुमको देखे थे ठीक है हम तुम्हारे लिए एक नया पेंटिंग बना देंगे व्हाट वुड हम ब्रूनो के लिए एक पेंटिंग बनाएंगे ब्रूनो कौन है उसका अंकल फिर बोला कि उसको क्या पसंद आएगा फिर बोला नहीं रुको तुमको क्या पसंद है हम वही बनाएंगे तो यानिक बोला आई लाइक सेलिंग बोट्स कैन यू डू बोट्स हमको बोट्स पसंद है तो तुमको बना सकता है ये लड़का ओल्ड मैन बोला कि ठीक है हम ट्राई करेंगे फिर वो अपने काम करना शुरू कर दिया पेंटिंग शुरू कर दिया एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा बट उससे वो पूछ रहा था कि तुम कहाँ रहता है तो यानी कि बोला हम पैरिस में रहते हैं तो ओल्ड मैन बोला हमको भी पैरिस पसंद है से बोट्स सेल करना पसंद है देयर ही से टियरिंग द शीट फिर वो बनाकर स्केच पेपर फाड़ के दिया बोला वट डू यू थिंक उस पेंटिंग में क्या था चार सेलिंग बोट था सेलिंग बोट मतलब बोट चलता हुआ था एंड रेसिंग ओवर द सी आउट एंड बियॉन्ड लाइट हाउस जस्ट आई हैड सीन इन ब्रिटनी ब्रिटनी भी एक जगह है कोस्टल टाउन इन नॉर्थ वेस्ट फ्रांस वहां का उस तरह का साइन था सीन था और पेंटिंग में लास्ट में जैसे पेंटर लोग नाम लिखता है वो लिखा था पिकासो आई थॉट योर नेम वॉज यानिक बोला कि हमको तो लगा तुम्हारा नाम शेजान है ही स्माइल्ड अपेटमी हाउ आई विश इट वॉज ही देर ही तो एक्चुअली पिकासो और सजान दोनों ही बहुत फेमस पेंटर हैं पहले सजान बना था फेमस तो इसीलिए वो बोला पिकासो के काश हम सजान होते उतने फेमस होते तो पिकासो भी काफ़ी फेमस है हम लोगों को पता है नाम तो यही था इस पेंटिंग का इस स्टोरी